जहाँ पर रिसेंटली कुछ अपकमिंग फिल्मों का बड़े अपडेट अनाउंस हुई है और जहाँ पर सरकार और बड़ी पता का लीक्ड सॉन्ग और साथ में मीनाल मुरली जैसा अपडेट शामिल है। तो और कौन कौन सी फिल्म है इस लिस्ट पर जानने के लिए शो सेंट तक के वीडियो जरूर देखिएगा और एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। 15 F3 का रिलीज डेट, जहाँ पर F3 यानी कि फायर एंड फ्रस्ट्रेशन टॉयलेट का अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जहाँ पर विक्टोरी वेंकटेश, मेगा प्रिंस वरुण तेज और साथ में तमन्ना और मेहरीन को एक साथ नजर आएंगे। और इसे मल्टीकास्ट फिल्म का रिलीज डेट हुआ है अनाउंस और जो रिलीज होगा 25 फरवरी 2022 में। नंबर 14 इथर कुम धुनिन धवन का शूटिंग अपडेट, जहाँ पर अपकमिंग सोशल एक्शन ड्रामा फिल्म है, जहाँ पर मारा सूर्या को काफी पावरफुल एक्टर में नजर आएंगे। और बता दोस्तों, इस अपकमिंग फिल्म का गाना का कुछ शूटिंग का पोर्शन अभी भी बाकी है और जो कंप्लीट हो जाएगा नवंबर का फर्स्ट वीक पर। और लेटेस्ट बैच के मुताबिक ये फिल्म इसी साल का दिसंबर या फिर पोंगल 2022 में रिलीज हो सकते हैं। नंबर 13 RRR का यूनिवर्सल टीजर, जहाँ पर RRR है पूरी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हाइप वाला अपकमिंग प्रोजेक्ट, जहाँ पर मेगा पास्टर रामचरण, यंग टाइगर जूनियर इंडिया, आलिया भट्ट, अजय देवगन को एक साथ नजर आएंगे। और बता दोस्तों, इन सभी कास्ट को एक साथ करके एक यूनिवर्सल टीजर की जाएगा रिवील्ड और जो रिवील्ड होगा 29 अक्टूबर में। और अनडाउटली ये टीजर प्रीवियस सारे टीजर का रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं। नंबर 12 अंतिम द फाइनल ट्रूथ का ट्रेलर, जहाँ पर रिसेंटली रिवील्ड हुआ है भाजन सलमान खान का अपकमिंग प्रोजेक्ट अंतिम का ट्रेलर, जहाँ पर ओ दी डायलॉग और परफेक्ट एक्शन और साथ में रहा हाई ऑक्टेन बैकग्राउंड म्यूजिक। और बता दोस्तों, इसी ट्रेलर पर सलमान और आयुष दोनों का ह्यूज फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नजर आई है और जो ट्रेलर रहा काफी डिसेंट और जो रिलीज होगा जी स्टूडियोज पर ग्लोबली 26 नवंबर 2021 में। नंबर 11 उमा का फर्स्ट लुक पोस्टर, और जहाँ पर यह फिल्म है साउथ का वन ऑफ द लीडिंग लेडी काजल अग्रवाल की नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट और जो फिल्म रिलीज होगा हिंदी में और इसको डेट करी है ताता गथा ने। और बताए दोस्तों, इसमें काजल अग्रवाल के अलावा भी तीनों आनंद और मेघना मलिक को लीड रोल में नजर आएंगे। नंबर 10 अनाथे का ट्रेलर डेट, और जब अनाथे है थलाइव रजनीकांत का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट और जिसका ऑलरेडी गाना और फर्स्ट लुक काफी इम्प्रेसिव और मैसिव रहा और अभी बाकी है अनाथे का ट्रेलर और जो पर मेकर्स ने आज अनाथे का ट्रेलर को करने वाले हैं रिवील्ड। नंबर 9 सैमी सॉन्ग का अपडेट, और जहाँ पर यह गाना है पुष्पा का मोस्ट एडेड अपकमिंग गाना, जहाँ पर पुष्पा का मेकर्स ने ऑलरेडी अपने फिल्म का प्रमोशन का काम स्टार्ट किया है और इसका फर्स्ट सिंगल डाको डाको मेकअप और सेकेंड सिंगल श्रीवाली ऑलरेडी किया है रिकॉर्ड और अभी बाकी है थर्ड सिंगल का और जो रिवील्ड की जाएगा 28 अक्टूबर में। और बता दोस्तों, जहाँ पर पुष्पा का टोटल 5 सॉन्ग है और जिसको कंपोज किया है सेंसेशनल म्यूजिक कंपोजर देवी श्री प्रसाद ने और जब ऑलरेडी शमी सॉन्ग का प्रोमो हुआ है रिवील्ड और फैंस ने फुल गाने के लिए काफी एक्साइटेड है। नंबर 8 मीनाल मुरली का फर्स्ट लुक आउट, और जहाँ पर यह फिल्म है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का फर्स्ट सुपर हीरो फ्लिक, जहाँ पर टॉबिनो थॉमस को सुपर हीरो वाला एक्टर में दिखाया जाएगा, जहाँ पर रिसेंटली टॉबिनो का फर्स्ट लुक हुआ है रिवील्ड और जो फिल्म रिलीज होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 24 दिसंबर क्रिसमस के मौके पर। नंबर 7 सत्यमेव जयते 2 का ट्रेलर, जहाँ पर जॉन अब्राहम का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट सत्यमेव जयते 2 का ट्रेलर हुआ है रिवील्ड, जहाँ पर जॉन को डबल नहीं बल्कि ट्रिपल एक्टर में नजर आ रही है, एक तरफ फादर का रोल दूसरी तरफ ट्विन भाई का रोल। और जहाँ पर इसे ट्रेलर को मिल रही है काफी मिक्स्ड रिव्यू और जहाँ पर इसमें जॉन का मूविंग मोटरसाइकिल को हवा में घुमाने के जो सीन था उसको मिला है काफी नेगेटिव रिव्यू और ऐसे करके कुछ इलॉजिकल सीन के लिए सोशल मीडिया पर ये फिल्म काफी ट्रॉल का सामना कर रही है। नंबर 6 कैडावर का फर्स्ट लुक, और ये अपकमिंग फॉरेंसिक थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर अमला पाल को लीड रोल में नजर आएंगे और जिसका फर्स्ट लुक पोस्टर की गई है रिवील्ड, जहाँ पर अमला ने एक पुलिस सर्जन है और ये फर्स्ट लुक पोस्टर रहा काफी थ्रिलिंग। नंबर 5 RC15 का न्यू विलन, जहाँ पर यह फिल्म है मेगा पास्टर रामचरण का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट और इसी फिल्म के लिए और एक बार डायरेक्टर शंकर ने मलयालम सुपरस्टार सुरेश गोपी को विलन के एक्टर में लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पर हम उनको 2015 का आई फिल्म पर ऑलरेडी देख चुके हैं
और अतः दोस्तों और एक बार RC15 पर रामचंद्र के अपोजिट में सुरेश गोपी को बराबर टक्कर देते हुए नजर आएंगे। नंबर 4 KGF2 का रवीना की पोस्टर, और जहां पर रवीना तंदून की पार्टी के मौके पर KGF2 का टीम से एक स्पेशल पोस्टर की गई है रिवील्ड, जहां पर वन ऑफ द मोस्ट हाइटेड अपकमिंग प्रोजेक्ट KGF2 का डायरेक्टर बसंत नील ने प्राइम मिनिस्टर रवीना को किया है विश, और जहां पर उन्होंने ये भी रिवील्ड किया है कि रामिका सेन का इसी रोल पर रवीना के अलावा किसी और को सोचना इम्पॉसिबल होगा। नंबर 3 शहजादा की अपडेट, और जहां पर यह फिल्म है कार्तिक आर्यन और कृति सनून की नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट, और जहां पर सभी लोग जानते हैं कि यह फिल्म इंडस्ट्री हिट फिल्म आला वैकुंठपुरमुलु का हिंदी रिमेक होगा, और जहां पर रिसेंटली कार्तिक को इसी फिल्म का क्लैप बोर्ड के साथ एक पिक्चर शेयर करते हुए नजर आई है। नंबर 2 दर्शना सॉन्ग, और जहां पर रिसेंटली मलयालम का अपकमिंग फिल्म रिडाइम फिल्म का पहला सॉन्ग हुआ है रिवील्ड, और जहां पर प्रणव मोहनलाल और दर्शना को लीड रोल में नजर आई है। और बता दोस्तों ये गाना रहा चार्टबस्टर, और जहां पर इसमें प्रणव को एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अरुण और दूसरी तरफ दर्शना को एक स्टूडेंट के रोल में नजर आ रही है। नंबर 1 सरकारी वरीपता का सॉन्ग लीक्ड, और जहां पर यह फिल्म है टॉयलेट का प्रिंस महेश बाबू का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट, और जहां पर इस फिल्म का कुछ शेड्यूल हैदराबाद को आप और दुबई पर की गई है, और अभी टीम ने है स्पेन पर, और जहां पर एक स्पेशल सॉन्ग का शूट की जा रही है। और अतः दोस्तों इसी गाना का कुछ लीक्ड पिक्चर रहा सोशल मीडिया पर वायरल, और जहां पर महेश बाबू को एक जैकेट के साथ काफी कूल अवतार में नजर आ रही है। तो सो ये रहा कुछ नए फिल्मों का बड़े अपडेट के बारे में, और इस अपडेट से कौन सी सबसे पावरफुल रहा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, और सके बॉलीवुड साथ ही न्यूज़ अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।